ओके गाइस, सो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में मॉडल क्रिएट कर लिया था और मॉडल के बारे में जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सब चीज़ें हम लोगों ने सीख लिया था। इस वीडियो में हम लोग यूज़र की एपीआई कंप्लीट कर लेते हैं और यूज़र की एपीआई जब कंप्लीट करेंगे तो हमें कौन कौन सी एपीआई बनाएंगे वो सब चीज़ पहले समझ लेते हैं, देन हम लोग चलते हैं और यूज़र की एपीआई कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले इस वीडियो में करने की आवश्यकता थी ये चीज़ तो आप समझ गए, हमें कंप्लीट करना है यूज़र की एपीआई। अब यूज़र की एपीआई कंप्लीट क्या क्या एपीआई हमें क्रिएट करनी है, तो हमें कुछ एपीआई क्रिएट करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यूज़र को क्रिएट कर सकें, क्या कर सकें, हम यूज़र को क्रिएट कर सकें, ठीक है, यूज़र का डेटा भेज पाएँ और यूज़र हमारा क्रिएट हो जाए, देन हम सारे यूज़र जितने यूज़र हैं वो सबको गेट कर सकें, तो हम लिखेंगे गेट यूज़र्स, एक एपीआई ये चाहिए। एंड इसी तरह हम गेट कर सकें सिंगल यूज़र को। एंड इसी तरीके से हमें एक एपीआई चाहिए जो जिसकी हेल्प से हम लोग यूज़र का डेटा अपडेट कर सकें, तो हम लिखेंगे अपडेट यूज़र। और एक हमें डिलीट के लिए भी चाहिए, डिलीट यूज़र, ठीक है। तो इतनी है, 5 API तो रिक्वायर्ड ही है, बाकी आप सर्च वगैरह का बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये 5 पहले API बना के हम लोग यूज़र की API क्रिएट करना कंप्लीट करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये API बनाने के लिए सिंपल हमें नॉर्मल फंक्शन बनाना हो तो हम समझ गए, लेकिन हम डेटा भेजेंगे रिक्वेस्ट में, जब भी रिक्वेस्ट जाएगी तो हम यहाँ पे यूज़र इन्फॉर्मेशन भी जेसन में भेजेंगे, यूज़र इन्फॉर्मेशन भी भेजेंगे जेसन के फॉर्मेट में, इन जेसन फॉर्मेट। तो रिक्वेस्ट जाएगी और जो HTTP रिक्वेस्ट मेथड होगा वो होगा पोस्ट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जब गेट यूज़र कॉल होगा, API कॉल करेंगे, तो हमें कुछ देना नहीं, हमें कुछ लेना है उधर से, ठीक है। सो हम गेट API कॉल करेंगे, ठीक है, एंड कुछ इन्फॉर्मेशन देना नहीं हमें, यहाँ पे एज अ रिटर्न मिलेगा यूज़र्स जेसन फॉर्मेट, ठीक है। तो ये गेट मेथड की API होगी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यार, हम लोग जब गेट सिंगल यूज़र करोगे तब भी एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये भी गेट की कॉल होगी, गेट API कॉल होगी, लेकिन यहाँ पे हमें देना पड़ेगा यूज़र की ID। भैया कौन सा बंदा चाहिए, आप कुछ ना कुछ तो बताओगे, तो यहाँ पे यूज़र की ID हमें देनी पड़ेगी, तो वो आप URL के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। सो ये डायनेमिक हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। उसके बाद अगर अपडेट करना होगा यूज़र, तो अपडेट के केस में भी हम लोग को कुछ ना कुछ डेटा देना पड़ेगा, बिल्कुल हमें दो चीज़ें देनी पड़ेगी, एक तो किस यूज़र को अपडेट करना है उसकी ID, तो हम यहाँ पे पहले तो पुट ए रिक्वेस्ट होगी और हमें यहाँ पास करना पड़ेगा यूज़र की ID, इस यूज़र को अपडेट करना है आपको। एंड उसके अलावा हमें यहाँ पे JSON में इन्फॉर्मेशन भी भेजनी पड़ेगी, क्या अपडेट करना है, कौन सी वैल्यू किससे अपडेट होगी, ये सब चीज़ हम लोग पास करेंगे JSON में। एंड लास्टली हम लोग को जब डिलीट करना होगा तो हम यहाँ पे फिर से डिलीट की रिक्वेस्ट मारेंगे और हम पास कर देंगे यहाँ पे यूज़र की ID। तो ये इन्फॉर्मेशन है, ये हमें ये बता रहा है कि हमें क्या मिलेगा, उसी हिसाब से हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड उसी हिसाब से हम रेस्पॉन्स देंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं ये सारी APIs। तो हमें बनानी है 1, 2, 3, 4, 5 API बनानी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिएट यूज़र से, यहाँ पे आते हैं, सब बंद कर देते हैं एंड हम क्या करते हैं यार, हम API के अंदर आते हैं, यूज़र्स के अंदर आते हैं एंड राउट्स के अंदर आते हैं, ठीक है, राउट्स के अंदर आते हैं। तो ये तो गेट के लिए है, चलो भाई पोस्ट का कहाँ है, ये रहा, ठीक है, पोस्ट का कहाँ है, ये रहा पोस्ट का, यहाँ से लेकर के एंड यहाँ तक का, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे कमेंट लगा के लिख देते हैं क्रिएट यूज़र, ठीक है। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन की अब ज़रूरत नहीं, कमेंट कर दो, ठीक है। एंड इसको भी थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। हमें क्या होगा, हमें इस रिक्वेस्ट में जेसन का डेटा मिल जाएगा, जैसे हम लोग ने यहाँ समझा, यूज़र इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। तो हम निकालेंगे सबसे पहला स्टेप होगा फेच यूज़र डिटेल फ्रॉम रिक्वेस्ट। कैसे फेच करेंगे, हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट जेसन एंड ये हमें प्रदान कर देगा सारे डिटेल, जैसे हमें मिल जाएगा नेम, तो हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया, ई मेल एंड देन हमें मिल जाएगा पासवर्ड, अबाउट, देखते हैं भाई और कुछ है, और कुछ लेना है तो आप हमें मॉडल से ले सकते थे, और कुछ भी लेना है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, अबाउट एंड प्रोफाइल URL अगर है तो मिल जाएगा, अदरवाइज हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे प्रोफाइल URL की, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो पास कर दो प्रोफाइल URL, ठीक है, प्रोफाइल URL हम लोग डायरेक्टली पास कर सकते हैं, यहाँ पे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, बट अभी हमने एज इट इज़ सारा डेटा ले लिया। अब जब डेटा मिल जाएगा तो हम यूज़र का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एग्जैक्टली हम लोग एक क्रिएट यूज़र ऑब्जेक्ट विथ यूज़र मॉडल, तो हम लिखेंगे न्यू यूज़र, हम पोर्ट कर लेंगे एंड एट द रेट चलेगा, एग्जैक्टली ऐप डायरेक्टरी के अंदर ये एट द रेट काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। सो यूज़र एंड यहाँ पे हम पूरा डेटा एज इट इज़ पास कर देंगे ये, ठीक है।
जब भी की वैल्यू पेयर सेम होती है तो हमें अलग से लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे पास कर दिए, दैट्स इट। ठीक है, ये हमें बना के दे देगा कॉन्स्ट यूज़र। एंड हम लोग देन अगेन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़र डॉट सेव करा सकते हैं, ये अवेट कॉल है तो हम अवेट यूज़ कर सकते हैं। एंड देन फाइनली आई थिंक ये हमें यूज़र प्रोवाइड, जो यूज़र क्रिएट होगा उससे हमें रिटर्न भी कर देगा, क्रिएटेड यूज़र। ठीक है, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनली हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट रिस्पॉन्स, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है, डॉट जेसन, और हम यहाँ पे यूज़र की डिटेल पास कर देंगे डायरेक्टली एज इट इज़, यूज़र को हम यहाँ पास कर देंगे एंड विदाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड कॉमा लगा के हम कुछ डिटेल और पास करेंगे, जैसे स्टेटस, स्टेटस में हम 201 क्रिएटेड। ठीक है, एंड ये हमारा एक्चुअली रिस्पॉन्स होगा, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स जिसको हमें रिटर्न करना है, सो लेट मी रिटर्न रिटर्न रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स। ठीक है, ये हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ये सारा काम करने में एरर भी आ सकती है, कुछ दिक्कत हो सकती है सेव करने में, तो हम इसको रख देंगे ट्राई कैच के अंदर। सो लेट मी डू, हम लिखेंगे ट्राई कैच, ये सब चीज़ ट्राई ट्राई के अंदर रखेंगे, यार कैच के अंदर कैसे आ चुका है, इसको हम रखेंगे ट्राई के अंदर। ठीक है, और कैच के अंदर हमें मिल जाएगा एरर, अगर एरर आएगा तो, और कैच के अंदर हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे नेक्स्ट रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड हम यहाँ लिख देंगे मैसेज, और मैसेज में लिख देंगे फेल्ड टू क्रिएट यूज़र, एंड स्टेटस में हम लोग लिख देंगे फॉल्स। दैट्स इट। तो अगर सपोज सेव करने में कोई प्रॉब्लम आ रही तो कैच ब्लॉक चल जाएगा और कैच ब्लॉक ये रिटर्न कर देगा, बाकी हम कंसोल पे भी लॉक कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग लॉक एरर, एरर नहीं डायरेक्टली हम लोग एरर को लॉक कर। सो दैट्स इट, अब हमारा एपीआई परफेक्टली काम करनी चाहिए। ठीक है, हम ये यूज़र ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, देन हमने ट्राई लगाया, आप यूज़र ऑब्जेक्ट को भी ट्राई के अंदर रख सकते थे। ठीक है, ये हम कर रहे हैं एक्चुअली सेव कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को, सेव द ऑब्जेक्ट टू टू डेटाबेस डेटाबेस। ठीक है, सेव कर लिया मैंने, बस ये हम रेस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं नेक्स्ट रेस्पॉन्स की हेल्प से 201 एंड डेटा के साथ, देन हमने सिंपली रिटर्न कर दिया, और अगर एक्सेप्शन आती है दैट मीन्स कैच ब्लॉक चलेगा तो हमारा फेल टू क्रिएट यूज़र आ जाएगा। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग हिट करते हैं, एंड अब हम लोग क्या करते हैं यार, थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज वे में काम करते हैं, इसको हम क्लोज ऑल कर देते हैं, क्लोज ऑल कर दिया, डोंट सेव। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नए कलेक्शन को नाम देते हैं, अरे यार डुप्लीकेट काहे को हो गया, डिलीट कर दो, कलेक्शन पर राइट क्लिक करो और नाम दे दो यहाँ वर्क मैनेजर। ठीक है, और अब हम यहाँ पर राइट क्लिक करके रिक्वेस्ट को ऐड करेंगे, रिक्वेस्ट को डायरेक्टली नहीं ऐड करेंगे, ठीक है डायरेक्टली ये वाली रिक्वेस्ट है सेव करेंगे, ये वाला दे देंगे एंड देन इसको सेव करेंगे। यार चलते हैं फाइल के अंदर, कंट्रोल एस दबाते हैं, ओके, तो इसका नाम दे देते हैं यार क्रिएटिव सर। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी एंड बॉडी के अंदर जाएगा जेसन, तो ये की हुई नहीं भेजनी हमें, हेडर में भी हेडर वेडर नहीं भेजना है, बॉडी के अंदर हमें भेजना है हाँ जेसन, ये चीज़ भेजनी है। ठीक है, बाकी नेम वगैरह हमें क्वेरी पैरम्स भी नहीं भेजने, सो पैरम्स में नेम हटा दो, परफेक्टली बॉडी के अंदर आ जाओ फिर से, ये रॉ के अंदर जेसन है परफेक्टली। हम लोग यहाँ पे नेम दे देते हैं, नेम में देते हैं ध्रुवेश तिवारी, अपना नाम आप लोग दे दीजिए अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो। ठीक है, एंड ईमेल में हम लोग डाल देते हैं दुर्गेश एट द रेट जीमेल डॉट कॉम डॉट कॉम। ठीक है, बाकी पासवर्ड भी दे देते हैं दुर्गेश, बाकी प्रोफाइल ये वायरल भी दे देते हैं, ऐसे ही देते हैं लोकल /local/host/testgr। ठीक है, तो ये हमने पास कर दिया, इतनी इन्फॉर्मेशन पास की, और कुछ इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल अबाउट पास करना है तो हम कॉमा लगा के अबाउट पास कर देते हैं, दिस इज टेस्ट
स्ट्रिंग यूजर क्रिएशन क्रिएशन, ठीक है। तो कुछ गलत हो गया यहाँ पे, आई थिंक हम लोगों ने डबल कोट्स नहीं लगाया था, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हम लोग डबल कोट्स लगाना भूल गए, ठीक है। इतना हम लोगों ने डेटा पास कर दिया, अब हम लोग हिट करते हैं सेंड। एंड आप देखोगे फेल टू क्रिएट यूज़र, यूज़र क्रिएट फेल आ गया, क्रिएशन फेल आ गया। ऑब्वियस सी बात, देखते हैं क्या, आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन बनाया तो है यार। सो हम लोग टाइम लग चेकआउट करते हैं ज़रा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल रिक्वायर्ड, आई थिंक ईमेल में डेटा नहीं जा रहा है क्या, देखते हैं भाई। ओके सो कहाँ गया, ये रहा ये रहा। तो ईमेल है, तो ईमेल भी है, ईमेल पास नहीं कर रहे क्या, ईमेल ईमेल ठीक तो है, सेंड करो। हाँ ना 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 ना, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। एंड अगेन हम लोग देखते हैं, ठीक, यूज़र वैलिडेशन फेल, यूज़र वैलिडेशन फेल हो चुका है, ऑब्वियस ही बात है, वैलिडेशन एरर आ रहा है। ईमेल रिक्वायर्ड, तो ईमेल आई थिंक नहीं जा रहा है क्या हम लोग के ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो काम करते हैं, ये डेटा हम लोग देखते हैं, प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ये पूरा डेटा प्रिंट कर दिया, देखिए क्या क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं भाई, अनडिफाइंड अनडिफाइंड मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है, इसका मतलब इसमें डेटा आ ही नहीं रहा है। ओके, दैट मीन्स गाइस, मतलब हमारा ये है कि हमें नेम, ईमेल, पासवर्ड, अबाउट, ये सब चीज़ मिल ही नहीं रहा है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स सी। आई थिंक हम लोग ने रॉ में जेसन भी पास कर रखा है, पोस्ट एपीआई है 3000, एपीआई तो परफेक्टली चल रही है। नेम, ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल, अबाउट, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं, ना ना ना, कुछ दिक्कत हो रही है भाई, देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है। ओके गाइस, सो यहाँ पे ये जो रिक्वेस्ट डॉट जेसन है वो एक्चुअली यहाँ पे हमें अवेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, ठीक है। तो या तो हम देन की हेल्प से कर लेते हैं या फिर हम अवेट लगा देंगे, तो हम एक्चुअली रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। अभी हमारा परफेक्टली चलेगा, ये मैंने सेंड किया एंड आप देखोगे तो ये डेटा को सेव कर देगा डेटाबेस में। देखिए नेम सेव हो गया, ईमेल सेव हो गया, पासवर्ड सेव हो गया, अबाउट सेव हो गया, प्रोफाइल यूआरएल भी सेव हो गया, और हमें एक आईडी मिल गई, ये एक्चुअली यूज़र की आईडी है, ठीक है। सो अब हमारा डेटा सेव हो चुका है, आप देखिए डेटा सेव हो चुका है। एंड अगर हम यहाँ डेटाबेस में देखें तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, ठीक है। सो रिफ्रेश करेंगे तो हमें डेटा मिलना चाहिए, हमारा वही ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए जो हमने वहाँ से सेव किया, ठीक है। एक बार हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, ये लॉगआउट हो गया, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। सो लॉगिन कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ लॉगिन कर लेंगे एक बार, एंड देन एक बार डेटा चेक कर लेंगे आ रहा है कि नहीं। अगर डेटा आ रहा है इसका मतलब हमारी एपीआई परफेक्टली बन चुकी है, ठीक है। सो आई थिंक मेरा तो मानना है बन चुकी है। अभी तक गाइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी हम चलते हैं और डेटाबेस में चलते हैं, हमारा डेटाबेस यहाँ पे ओपन हो चुका है। ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करते हैं, कलेक्शन अपने आप आ चुका है, ठीक है। यूज़र्स के अंदर चलते हैं, यूज़र्स लोड हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा डेटा आ चुका है, दैट मीन्स हमारी ईपी परफेक्टली काम कर रही है। बाकी अगर आप ईमेल वगैरह नहीं भेजोगे तो हिसाब से एक्सेप्शन आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सपोज़ आप ईमेल भेजना भूल गए, सेंड कर दिया आपने, ये देखिए फेल टू क्रिएट यूज़र आ जाए, ठीक है। एंड अगर आई थिंक ब्लैंक यूज़र पास कर दोगे तो क्या होगा, लेट्स ट्राई, ईमेल यूज़र ईमेल आईडी ब्लैंक है, देखिए तो ब्लैंक यूज़र। बाकी आप यूनिक भी कर सकते हो इस ईमेल आईडी को, ठीक है, यूनिक भी पास कर सकते हो जिसमें आपकी ईमेल आईडी यूनिक रहेगी। यूनिक का मतलब फिर अलग, दूसरी ईमेल आईडी का दूसरा बंदा नहीं आ सकता। थोड़ा सा और आपको हेल्प लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे तो आता भाई यूनिक कैसे बनाना, बट आपको नहीं आता तो आप डायरेक्टली गूगल पे आओ, यहाँ पे लिख दो मोंगोज स्कीमा यूनिक फील्ड, ठीक है। थोड़ा सा आप हेल्प ले लो गूगल से, क्योंकि जब आप करोगे तो ये समझ जाओगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे आ जाएगा, आप स्टैक ओवरफ्लो खोल लो, स्टैक ओवरफ्लो बहुत यूज़फुल है। आप देखो यहाँ पे इन्होंने बना रखा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। सो आप देखिए टाइप बता सकते हो, यूनिक में ट्रू कर सकते हो, रिक्वायर्ड ट्रू कर सकते हो, ड्रॉप अप्स ट्रू कर सकते हो। तो यहाँ पे आप यूनिक ट्रू कर दोगे तो आपका स्कीमा यूनिक ही रहेगा। यूज़र्स के अंदर आ जाओ, एंड ईमेल आईडी को यूनिक रखना है तो रिक्वायर्ड यहाँ पे आप लगा सकते हो यूनिक ट्रू। अब ईमेल आईडी यूनिक रहेगी, दैट मीन्स दो बंदे सेम ईमेल आईडी के नहीं आ सकते। तो अगर मैं हिट करता हूँ सिंपल,
सो आप देखोगे क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गया, दोबारा से देखते हैं, दोबारा से क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो अभी क्रिएट हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं ड्रॉप कर देता हूँ अपना स्कीमा, कहाँ गया, आई थिंक हाँ ठीक है। सो एक बार स्कीमा ड्रॉप कर देंगे, देन दोबारा से हम लोग काम करेंगे। एंड एक बार मैं क्या करता हूँ, ठीक है हाँ ठीक है, अब हम लोग स्कीमा ड्रॉप कर देते हैं एक बार, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, यूज़र्स को ही ड्रॉप कर देते हैं, सॉरी यूज़र्स ड्रॉप, यूज़र हमारा, यूज़र्स का जो कलेक्शन है वो ड्रॉप हो जाएगा, तो हमारा डेटाबेस खाली हो जाएगा, ठीक है परफेक्टली। अब हम क्या करते हैं, हिट करते हैं एक बार, उस ईमेल आईडी का बंदा आ चुका होगा यहाँ पर, रिफ्रेश कर दूँ, कलेक्शन नहीं रहता है तो डेटाबेस भी नहीं रहता है, ये बढ़िया चीज़ है यार, ठीक है। ये देखिए एक यूज़र हमारा आ चुका होगा, लोड हो रहा है, ये देखिए दोबारा से हिट कर दें, यूनिक है तो एक्सेप्शन आनी चाहिए, बट आई थिंक ये दो बार आ जा रहा है हमारा, सो दो यूज़र क्यों आ रहे हैं जब मैं यूनिक बना रहा हूँ ईमेल आईडी। तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, टाइप के बाद यूनिक ट्रू रखना है, ठीक है यूनिक ट्रू तो था, इसको ऊपर कर देते हैं एक बार, देन ट्राई के बाद ही ट्राई कर लेते हैं यार, यार ठीक तो था यार, ओके फिर से डेटा क्रिएट हो रहा है, फिर से डेटा क्रिएट हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों हो रहा है, देखना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको हम लोग देख लेंगे किसी वीडियो में, रिजॉल्व करके मैं बता दूंगा कैसा क्यों हो रहा है एक बार, तभी फिर मैं एक बार फिर भी मैं ट्राई कर लेता हूँ, कलेक्शन को ड्रॉप कर देते हैं, अगेन हिट करते हैं, ठीक है एक बार कनेक्शन दोबारा क्रिएट करते हैं, आई थिंक हो सकता है ये कनेक्शन दोबारा क्रिएट करें तो चेंजेस रिफ्लेक्ट करें, ठीक है। सो देख लेते हैं यार, मैंने दोबारा से सेंड रिक्वेस्ट भेजी है, अब देखते हैं, यूज़र फेल टू क्रिएट यूज़र आ रहा है, एंड पता नहीं ये तो कनेक्शन की दिक्कत थी, हाँ अब आई थिंक हमारा काम हो रहा है। सो एरर बस मैं देखना चाहूँगा, एरर मैं देखना चाहूँगा, हाँ ये देखिए आप डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, ठीक है। तो एक बार कनेक्शन को बंद करके दोबारा से चलाएंगे, दैट मीन्स अपना एप्लीकेशन रिस्टार्ट कर लेंगे, तो दोबारा से कनेक्शन क्रिएट होगा और दोबारा से फिर चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो अब आप देख सकते हो यहाँ पे डुप्लीकेट की आ रही है, दैट मीन्स ईमेल आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, एक बार में एक ही ईमेल आप बना सकते हो, देखते हैं भाई रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, एंड हेयर वी गो, ये देखिए ठीक है। सो सेम ईमेल आईडी का बंदा अब दोबारा आप नहीं क्रिएट कर सकते, बट अगर आप ईमेल आईडी चेंज करते हो, जैसे हमने कहा दुर्गेश वन, दैट मीन्स आप ये दूसरा बंदा है दुर्गेश वन, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे देख पाओगे बंदा क्रिएट हो चुका है और डेटाबेस में डेटा आ चुका है। सो ये देखिए ठीक है। सो हम लोग का क्रिएट वाला काम हो चुका है, अब हम फटाफट बाकी ऑपरेशंस भी कर लेते हैं, बाकी ऑपरेशंस कहने का मतलब क्रिएट हो चुका है अगर, तो हम लोग गेट कर सकते हैं, गेट सिंगल कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो आ जाते हैं यहाँ पे, हम लोग एक करके देख देख के बनाते हैं। सो गेट ऑल यूज़र्स बनाना है, सो लेट मी डू दैट। हम लोग का क्रिएट वाला हो चुका है, क्रिएट यूज़र, अब हम लोग गेट का बनाना है, तो ये जो वैल्यूज़ है इसको हम हटा देते हैं, आई थिंक यही गेट मैथड है ना, हाँ। एंड हम लोग यहाँ एक वेरिएबल लेंगे ट्राई कैच के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्ट यूज़र, अच्छा इसको ऊपर ले लेते हैं यार, आई थिंक हम कॉन्स्ट क्या लेट यूज़र ले लेते हैं, यूज़र्स, और बाय डिफ़ॉल्ट रख देते हैं यहाँ पे ब्लैंक, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र्स इज इक्वल टू अवेट, और मैं यूज़ करूँगा मॉडल यूज़र डॉट फाइंड, फाइंड वन है, फाइंड बाय आईडी है, सो फाइंड कॉल कर लो, दैट्स इट, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि असिंग फंक्शन, तो एट मीन्स हमें ये फंक्शन बनाना पड़ेगा असिंग, ठीक है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे अगर एरर आती है तो मैं कंसोल डॉट लॉक कर दूंगा, लिख दूंगा, बस डायरेक्टली आप एरर को प्रिंट कर दीजिए,
यूज़र्स को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो ब्लैंक यूज़र आएगा, अदरवाइज आप यहाँ पे एक्सेप्शन चलती है तो आप यहाँ पर रिटर्न नेक्स्ट रेस्पॉन्स में जेसन में आप मैसेज वगैरह भी डाल सकते हो। जैसे आप यहाँ पे मैसेज डाल दो कि भैया फेल्ड टू गेट यूज़र्स, दो बार पता नहीं क्यों दब जाता है, गेट यूज़र्स, ठीक है, एंड सक्सेस में मैं यहाँ पे पॉज कर दूँगा। तो अगर यूज़र नहीं मिलेंगे तो कैच ब्लॉक चलेगा, और यूज़र मिल जाएंगे तो यूज़र में डेटा आ जाएगा और यूज़र यहाँ से रिटर्न होगा। एक बार हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। सो इसको सेव कर देते हैं, एंड हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग इसी को राइट क्लिक करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा गेट की API। सो गेट यूज़र्स, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, बस गेट पे क्लिक करो, गेट मेथड करो, हिट करो सेंड, यूज़र्स आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं हम लोग, दो यूज़र से दोनों यूज़र मिल रहे हैं, ठीक है। इस API को आप ब्राउज़र से भी हिट कर सकते हो, तो जितने भी यूज़र होंगे वो सारे यूज़र आ जाएंगे। सो लेट मी हिट फ्रॉम ब्राउज़र इटसेल्फ। ये देखिए, दो यूज़र हैं, दोनों यूज़र आ जा रहे हैं। यूज़र की ID, नेम, अबाउट, पासवर्ड, ठीक है, ईमेल, फोटो, URL, जितनी भी चीज़ें होंगी सब आ जाएंगी। ऑब्जेक्ट के अंदर भी ऑब्जेक्ट होगा तब भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट अगर आप कहोगे तो कमेंट स्क्रीन बताओगे तो मैं आपको बनवाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमारा गेट वाला हो गया। देन हमारे पास डिलीट है, डिलीट यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या चलेगा मैं आपको बताऊँगा, पुट भी यहाँ पे नहीं चलेगा। सो अब हमें सिंगल यूज़र गेट करना है तो हमें एक ID चाहिए होगी, तो ID हम लेंगे पैरम्स में, यहाँ पे URL में, ठीक है। सो ये देखिए, ठीक है, ये वाला मेथड, तो हमें डिलीट में ये वाली ID मिल जाए, पैरम्स के थ्रू ID मिल जाएगी, यूज़र की ID। तो हम लोग क्या करते हैं, यूज़र की ID को यूटिलाइज करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि एक्चुअली ये क्या है, ID कैसे मिल रही है, तो आप वीडियो देख सकते हो, हम लोग वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं इसके बारे में, ठीक है, डायनेमिक राउट्स के बारे में। तो यूज़र ID मिल जाएगी, इस यूज़र ID वाला बंदा हम डिलीट करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ ट्राई, कैच मारेंगे, एंड यहाँ पे हम डिलीट करने वाले हैं, तो हम लिखेंगे यूज़र डॉट डिलीट वन, और हम यहाँ पास कर देंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर की पास करेंगे और अपनी वैल्यू यूज़र ID पास कर। तो ये वही बंदा डिलीट करेगा जिसकी ID जो आप यहाँ पे मैच करेगी, जो ID आपने पास किया, ठीक है। तो जिस ऑब्जेक्ट की ID इस वाली यूज़र ID से मैच कर जाएगी, वो बंदा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और ये होगा अवेट ऑपरेशन, ठीक है, दैट्स इट। एंड हमें फंक्शन को भी असिंक बनाना पड़ेगा, तो हम असिंक फंक्शन बना देते हैं, बस आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो नेक्स्ट response.json, और यहाँ पे आप लिख सकते हो मैसेज में आप पास कर सकते हो गाइस कि यूज़र डिलीटेड, एंड यहाँ पे सक्सेस में आप ट्रू कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर एक कैच आया तो हम रिटर्न कर देंगे कि भैया एरर इन डिलीटिंग यूज़र, आप पास कर दो एरर इन डिलीटिंग यूज़र, और सक्सेस इस केस में फॉल्स है, ठीक है। सो दैट्स इट, आपका काम हो चुका है, डिलीट यूज़र काम करेगा आप। तो मैं यहाँ पे कमेंट लगा के लिख सकता हूँ डिलीट यूज़र, ठीक है। सेव करते हैं एंड ट्राई करते हैं, यहाँ से एक यूज़र ID हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। चलो भाई, यूज़र ID हमने कॉपी कर लिया, एंड आ जाते हैं पोस्टमैन के अंदर। हम लोग क्या करते हैं, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, एंड इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट यूज़र। इन दैट केस हमें यहाँ पास करनी है यूज़र की ID, तो कॉमा लगाएंगे, ID पास कर देंगे, पोस्ट को कर देंगे डिलीट, एंड सेंड कर देंगे। सो आप देखोगे यूज़र डिलीटेड, दैट मीन्स एक यूज़र डिलीट हो चुका है। तो हमारे पास दो यूज़र थे, तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही यूज़र बचेगा। देखते हैं भाई, गेट यूज़र्स पे चलते हैं, सेंड करते हैं, ये देखिए एक यूज़र बचा। तो अब यूज़र्स को आप ऐड भी कर सकते हो, यूज़र्स को आप डिलीट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। API हमारी परफेक्टली काम कर रही है। सो इसको भी सेव कर देते हैं, एंड इसको भी सेव कर देते हैं, एंड पोस्ट को तो भाई सेव कर ही देते हैं, ठीक है। अब बात आती है, डिलीट हो गया तो हमारा परफेक्टली कौन कौन सी APIs, कौन सा हो गया हमारा, क्रिएट हो गया, गेट यूज़र हो गया, एंड डिलीट हो गया। अब हमें सिंगल यूज़र गेट करना है और अपडेट करना है। तो सिंगल यूज़र गेट करने के लिए एग्जैक्टली हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे गेट का, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ डिलीट का बना रखा है, तो एक गेट का बना सकते हैं, इसी के ऊपर बना सकते हैं एक्सपोर्ट असिंक। हम यहाँ पे चाहें तो हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शन भी बना सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, देन नाम दे देंगे इसका गेट, दैट्स इट। ये फंक्शन एग्जैक्टली वही है, तो मैं यहाँ कमेंट कर दूंगा, बनाना मैंने सिखा दिया, मैं नॉर्मल फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है। मैं लिखूंगा गेट यूज़र, एंड फंक्शन होगा
एक्सपोर्ट असिंक फंक्शन, नाम होगा इसका गेट, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हमें दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो रिक्वेस्ट एंड दूसरा पैरम्स यूज़र आईडी को निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कॉन्स्ट यूज़र आईडी एंड हम पैरम्स इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यूज़र को गेट करना है, तो सिंपली हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज़र मॉडल को यूज़ करके डॉट फाइंड वन यूज़ कर सकते हैं या फाइंड बाय आईडी यूज़ कर सकते हैं और आईडी यहाँ पे पास कर सकते हैं यूज़र आईडी एंड दैट्स इट, हमें कॉन्स्ट यूज़र मिल जाएगा। ये अवेट ऑपरेशन है और हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे किसको, नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन यूज़र को सेव करेंगे। दैट्स इट, आपका काम हो चुका है, आपका काम हो चुका है। ट्राई कैच के अंदर भी इसको रख सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ आप भी करिए भाई, ठीक है। चलो तो अब हम लोग देखते हैं, इसको हिट करते हैं, आ जाते हैं यहाँ पे डिलीट वाले को, डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं गेट सिंगल यूज़र, सेव कर लेते हैं एंड हम गेट ऑपरेशन मारते हैं। सो आप देखोगे ये देखिए नल वैल्यू आ रही है, मतलब इस आईडी का बंदा नहीं हमारे पास। चलो भाई एक ऐसा आईडी डालते हैं जो बंदा हो, सो हमारे पास एक ही बंदा है, उसी की आईडी हम लोग पास कर लेते हैं, ठीक है। गेट सिंगल पे चलते हैं, ये आईडी यहाँ चिपका देते हैं, ये देखिए ठीक है, परफेक्टली वो बंदा आ रहा है और ये ऑब्जेक्ट है, एरे नहीं है। दैट मीन्स जिसकी आईडी पास करेगी वो वाला बंदा यहाँ पे आ जाएगा, यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सो आई होप मज़ा आ रहा होगा, बस लास्ट ऑपरेशन बचा है जो कि अपडेट यूज़र का है, तो अपडेट यूज़र भी बना लेते फटाफट, देन ये वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। अपडेट यूज़र में भी क्या है यार, कि हमें यूज़र की आईडी चाहिए और वो सारी नई वाली डिटेल चाहिए जो अपडेट करना है यूज़र को, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट यूज़र, ठीक है। एग्जैक्टली हम एक्सपोर्ट कर देंगे असिंक फंक्शन, असिंक फंक्शन नाम होगा इसका पुट, क्योंकि ये पुट कॉल होने वाली है। एंड यहाँ पे हमें दो चीज़ें फिर से मिल जाएंगी, एक तो रिक्वेस्ट मिल जाएगा गाइस और एक हमें पैरम्स मिल जाएगा, पैरम्स आईडी के लिए। मैं फिर से गाइस कह रहा हूँ कि अगर आपको पैरम्स वगैरह नहीं समझ में आ रहा तो उसकी वीडियो मैं डायनेमिक राउट्स की बना चुका हूँ, डायनेमिक राउट्स वाली वीडियो ज़रूर से देखिए, ठीक है। एंड बस यूज़र आईडी यहाँ पे हमें मिल जाएगी, तो हम कॉन्स्ट कॉन्स्ट और हम यूज़र आईडी ले लेंगे, देन हम पैरम्स से उसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। यूज़र आईडी मिल चुकी एंड रिक्वेस्ट के अंदर हमें वो नई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे अगर नाम अपडेट करना है तो वो सब चीज़ हमें मिल सकता है। तो हम कर दें रिक्वेस्ट डॉट जेसन एंड ये भी एक अवेट ऑपरेशन है, अवेट ऑपरेशन है। तो हमें जो डेटा मिलेगा जेसन का वो हम उसको डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। हमें मिलने वाला क्या है, नेम आप अपडेट कर सकते हो, ईमेल अपडेट नहीं कर सकते हो, पासवर्ड अपडेट कर सकते हो एंड क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो, अबाउट अपडेट कर सकते हो बिल्कुल, प्रोफाइल URL अपडेट कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो, ईमेल नहीं अपडेट कर सकते हो, ठीक है, पासवर्ड अपडेट कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसानी से हम लोग पहले गेट करेंगे उस यूज़र आईडी वाला बंदा जिसे हमें अपडेट करना है। तो हम लिखेंगे ट्राई लगा दो यार, ट्राई कैच लगा दो, हम सबसे पहले गेट करेंगे, तो हम लिखेंगे यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी कर सकते हो। चलो भाई यहाँ पे यूज़र आईडी पास कर दो, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा यूज़र की आईडी, सो लेट मी डू दैट। यूज़र की आईडी नहीं मिलेगी हमें, यूज़र ही मिल जाएगा एंड ये अवेट ऑपरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि ये टाइम लगाएगा थोड़ा सा, तो इसलिए हमने इसको अवेट ऑपरेशन बना दिया, ठीक है। अवेट अवेट सेव कर लेंगे, ठीक है। अब हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देंगे, तो लिखेंगे यूज़र डॉट नेम इक्वल टू नेम, यूज़र के नेम में नेम रख दिया मैंने, यूज़र डॉट अबाउट इज इक्वल टू अबाउट, यूज़र डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है, यूज़र डॉट प्रोफाइल URL इक्वल टू प्रोफाइल URL। तो चार चीज़ें मैंने यहाँ अपडेट कर दी। अगेन हम यूज़र को बस सेव करेंगे, तो हम कैसे करेंगे, अवेट डॉट नहीं अवेट यूज़र डॉट सेव, बस यूज़र की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी एंड ये हमें कॉन्स्ट न्यू या अपडेटेड यूज़र दे देगा, अपडेटेड यूज़र प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। दैट्स इट, अब हम इसे रिटर्न कर देंगे यहाँ से, रिटर्न नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन एंड सिंपल आप यहाँ पे अपडेटेड यूज़र रिटर्न कर दीजिए। बाकी स्टेटस कैसे मैनेज करना है वो आप देख लीजिए, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। अगर एक्सेप्शन आती है तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे नेक्स्ट रेस्पॉन्स डॉट जेसन और हम यहाँ पे मैसेज पे डालेंगे कि भैया फेल्ड टू अपडेट यूज़र और हम सक्सेस में डालेंगे फॉल्स। तो एक कोट हमने यहाँ बंद करना बोल गया, बस आपका काम हो चुका है।
कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको और अपडेट करनी है तो यहाँ पे बस आप डाल दीजिए एड मोर इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। सो बिल्कुल अब अपडेट का भी काम करेगा एपीआई, इसको एक बार ट्राई करते हैं हम लोग। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये सारी हैं, इसी यूज़र को अपडेट करते हैं, तो इस यूज़र को कॉपी कर लेते हैं एंड इसको भी डुप्लीकेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा अपडेट यूज़र, ठीक है। थोड़े देर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में चलते हैं और डेटा यहाँ पे पास कर देते हैं, डेटा ये हमें भेजना है, जिसमें आईडी हम नहीं भेजेंगे तब भी चलेगा, ईमेल नहीं भेजेंगे, ईमेल की ज़रूरत ही नहीं है, बाकी पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं, अबाउट प्रोफाइल ये सब अपडेट कर सकते हैं, वी का कोई मतलब ही नहीं है अभी के लिए, ठीक है। चलो भाई इतनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। बस जो आईडी है वो यहाँ पे ये वाली सही होनी चाहिए, तो हम ये आईडी ही कॉपी करते हैं और अपडेट यूज़र में ये आईडी होनी चाहिए, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे दुर्गेश की जगह दुर्गेश कुमार तिवारी कर देते हैं, कुमार तिवारी, पासवर्ड की जगह 123 कर देते हैं एंड इसमें लास्ट में अपडेट कर देते हैं अपडेट, URL में हम लोग डाल देते हैं अपडेट, ठीक है, एंड कॉमा को देते हैं हटा और डालते हैं सेंड, रिक्वेस्ट भेजते हैं। जैसे आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ठीक है वही इन्फॉर्मेशन आई, क्योंकि एक चीज़ हम लोग ने यहाँ अपडेट चेंज नहीं की थी जो कि गेट मैथड है, हम लोग इसको करेंगे पुट, जिससे कि पुट ही पे कॉल हो, सेंड करेंगे। सो आप देखोगे ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, आप देखिए ये देखिए ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आईडी हमारी आ चुकी है, नेम आ चुका है, नेम अपडेटेड है दुर्गेश कुमार तिवारी इस बार, ईमेल आप देखोगे दुर्गेश वन है, तो लेट मी सी, हाँ ईमेल तो चेंज ही नहीं किया था हमने, तो दुर्गेश वन ही रहेगी, पासवर्ड में दुर्गेश 123 आ गया एंड अबाउट में अपडेट आ चुका है, प्रोफाइल में भी अप डेट या जो भी है गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी थी वो आ चुकी है, ठीक है। इसको हम फिर से सही करके फिर से दोबारा भेज सकते हैं, अपडेट सेव कर लीजिए, सेंड करिए, दोबारा से इन्फॉर्मेशन आपकी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। प्रोफाइल URL भी अपडेट हो रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो रही है, बाकी आप क्या कर सकते हो इसको गेट करके भी देख सकते हो, ये देखिए इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, इवन आप डेटाबेस से भी वेरीफाई कर सकते हो, इसको वेरीफाई कर सकते हो, ये देखिए, ठीक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आप पासवर्ड को चाहते हो ना सेलेक्ट हो तो उसको भी आप कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप जब गेट कर रहे हो, गेट ऑल API कॉल कर रहे हो, ये रही गेट ऑल, यही बोलिए, तो हम यहाँ पे फाइंड के बाद यहाँ पे एक मेथड एक फंक्शन लगा सकते हैं सेलेक्ट, और हम यहाँ पे बता सकते हैं माइनस मतलब हमें नहीं चाहिए, प्लस मतलब हमें चाहिए, ठीक है, हमें पासवर्ड नहीं चाहिए। सेव करेंगे तो आपको पासवर्ड वाली फील्ड नहीं मिलेगी, दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ये देखिए पासवर्ड हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, पासवर्ड गायब हो चुका। इसी तरह हम क्या करते हैं, गेट सिंगल यूज़र में भी पासवर्ड हम लोग गायब कर सकते हैं, कैसे, जब हम लोगों ने सिंगल यूज़र API गेट करने वाली बनाई है उस केस में, यहाँ पे भी हम सेलेक्ट और माइनस पासवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो रन टाइम पे हम लोग फील्ड चेंज कर सकते हैं कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, देखिए पासवर्ड गायब हो चुका, तो इस हिसाब से आप प्लस माइनस कर सकते हो, कोई फील्ड चाहिए कोई फील्ड नहीं चाहिए तो आप प्लस माइनस यूज़ कर सकते हो यहाँ पे सेलेक्ट मैथड के अंदर, ओके। सो आई होप हम लोगों ने इस वीडियो में API कंप्लीट कर ली है, यूज़र्स की API कंप्लीट कर ली, और कौन कौन सी API हम लोगों ने बनाई है, दैट इज़ एक्चुअली ये सारी API, 1, 2, 3, 4, 5 API बनाई है, जिसमें हम यूज़र को क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, सिंगल यूज़र गेट कर सकते हैं। अब आपका काम ये है गाइस, असाइनमेंट है आपके लिए, असाइनमेंट ये है कि जैसे हमने यहाँ पे यूज़र की API बनाई है उसी तरह आपको क्या करनी है, यहाँ पे आपको वर्क की API बनानी है, क्रिएट वर्क API, जिसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले वर्क क्रिएट करना है, क्रिएट वर्क, देन हमें सारे वर्क चाहिए, गेट ऑल वर्क्स, ठीक है, देन हमें चाहिए यहाँ पे गेट सिंगल वर्क, सिंगल वर्क के बाद आप वर्क को अपडेट भी कर सकते हो, तो अपडेट वर्क एंड देन आप डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट वर्क। अब आप वर्क के अंदर क्या रखना है आपकी मर्जी है, वर्क का टाइटल क्या काम है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन, कब कंप्लीट करना है, डेट वेट सब रख सकते हो आपकी मर्जी, ठीक है। सो अब आपको पता ही होगा यार कि ये कौन सी API होगी, तो उसी हिसाब से आप पोस्ट, देन उसी हिसाब से आप गेट, उसी हिसाब से आप यहाँ पे गेट का API कॉल, देन पुट का एंड देन डिलीट का, उस हिसाब से आप यहाँ पे बना लीजिएगा एंड असाइनमेंट को कंप्लीट करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइए, या फिर आप इंस्टाग्राम का हैंडल मैं नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के मुझे टैग्स करना मत भूलिएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और गाइस अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि यही हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करता है और हम ऐसी वीडियोज़ बनाते रहते हैं, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।